हाँ भाई, कैसा फील कर रहे हो? तुम तो कोच बन गए हो, आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड तो नहीं है इतना। क्यों नहीं हो एक्साइटेड? तुमने जिन लोगों को ट्रेन किया आज परफॉर्म कर रहे हैं कबीर, दिस इज इनसेन। जज कौन कर रहा है? इससे खुद कुछ नहीं होता। इस बंदे के रिमार्क्स, इसकी ओपिनियंस, इसकी जजमेंट कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये लोग जीते या हारे हैं, इस चीज में भी कोई वैल्यू नहीं। कबीर, तुमने कभी रियलाइज किया है कि आज विकी वहां की और तुम यहाँ की? क्या है? ये तुम मुझे कह रहे जिससे मैं सब कुछ बता चुका हूं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कबीर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है। यू नो आई मीन इट विद यू। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि स्टेज छोड़ोगे ना तो कोई और आके अपॉर्चुनिटी पिक करेगा। स्टेज को छोड़ता कौन है यार? क्या फजूल बातें कर रही हो यार? फजूल बातें मैं नहीं कर रही। फजूल बातें कर रही हो तुम ज़ारा? मैं फजूल बातें नहीं कर रही हूँ। ज़ारा, दिस गाय, दिस गाय इज़ अ चीट, पता ना तुम्हें? फिर तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं मैदान को खाली छोड़ रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने मैदान छोड़ दिया। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कबीर, स्पेस छोड़ोगे ना तो ऑब्वियसली कोई और आके फिल करेगा यार। बस नहीं मुझे करनी है बात, ना ही मुझे ये बातें सुननी है। मैं जब तुमसे इस टॉपिक पे बात करती हूँ तुम इरिटेट क्यों होते हो? इरिटेट नहीं हो रहा हूँ ज़ारा, तुम समझ नहीं रही हो। तुम कुछ समझना नहीं चाहते हो। लिसन, तुम्हारे लिए ना सिर्फ यही होता है कि टॉपिक बदल दो या यहाँ से भागो। सारा वीडियो क्या चाहिए बताओ? इस बात को करने का मकसद क्या है बताओ? इस बात को करने का कभी भी कोई मकसद नहीं, क्योंकि तुम्हारा यही रिएक्शन होता है। सारा, जस्ट गो, लीव, जस्ट गो। श्योर, आई लीव, आई विल लीव कबीर। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रही थी, मैं ये सिर्फ सब तुम्हारे लिए कह रही थी। जिस तरह तुम मुझे कहते हो ना कि तुम इस रिसेप्शन के लिए नहीं बनी हो, स्टेज के लिए बनी हो, तुम्हारे में टैलेंट देखता हूँ, उसी तरह मैं भी तुम्हारे अंदर कुछ देखती होंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जो मेरे बारे में कहते हो, जो मुझे बोलते हो, वो मैं मानती हूँ। अनलाइक यू कबीर, जिसके लिए मेरे ओपिनियन को मैटर ही नहीं करता। क्या किया मैंने सर? तुझे नहीं पता तूने क्या किया? फिजिकल क्यों हो रहा है तू? गलत क्या है इसमें? मैंने क्या, आप गलती बता दें। पानी क्यों फेंका तूने इस पे? हाँ, मुंह से बात करना। रैप है, लिरिक्स है, एथिक्स नहीं पता तुझे रैप के? बट सर, माइक ड्रॉप है मेरा, तो इसमें क्या गलत था ऐसा? तू ना मुझे बता, टोन नीचे रख के बात कर। प्यू मैं तेरा, इस इंडस्ट्री का प्यू मैं। निकाल उसको जोरी यहाँ से बाहर, डिस्क्वालीफाइड है ये। दस बना लूँ जैसे मैं। दस छोड़, तू एक लिख के दिखा दे। तू होता कौन है मुझे बताने वाला? जोरी निकाल इसको बाहर यहाँ से। मैं ऑडियंस हूँ और गाना पसंद आया मुझे। आप सबको पसंद आया? Yeah! Yeah!
तो जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा कि इसने गलत किया क्या है, तब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और मुझे तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, यू नो बॉडी। जो ने निकाल यार इसको यहाँ से। विकी, अब तुझे किसी और का हक नहीं मानने दूंगा। जब तक उसकी गलती नहीं बताएगा मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा। तो ठीक है फिर, जब तक ये यहाँ पे है मैं भी ये शो नहीं करूँगा। ये जाएगा तो मैं शो करूँगा। भाग क्यों रहा है? दा, दस लिख लेगा ना गाने। लिख यार, जोड़ी तो उसको निकालता है कि नहीं निकालता यार, निकाल उसको यहाँ से। मैं भी हूँ, तू भी है, वीरिंग भी है। आशा, तुझे क्या लगता है मैं जो डिस्ट्री कर सकता? अबे जानता कौन है तुझे? तू मुझे चैलेंज करेगा, मुझे क्या मिलेगा तुझे हरा? क्या मिलेगा मुझे हरा? निकल यार ब्लूजर यहाँ से, जोरी निकाल इसको बाहर यहाँ से। आप लोग जानते हैं मुझे, इतना बड़ा रैप बैटल इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर ये रैप बैटल होना है तो फिर पूरी तैयारी के साथ होगा, पूरी हाइप के साथ, कि सारी दुनिया देखे। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर द ग्रैंड बैटल? देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।